सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें, ताकि आपकी राशि से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको समय समय पर मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 22 मई 2021 शनिवार आपके राशिफल के बारे में। यह समय जिनका भी बर्थडे है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है, उन्हें हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान शनि देव की कृपा से आप दिन दुगुनी और रात चौगुनी की तरक्की पर रहें। दोस्तों, आज हम जानेंगे आपकी लव, स्वास्थ्य, करियर और धन की स्थिति कैसी रहेंगी, और साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे आज आपकी ग्रहों की स्थिति कैसी रहेंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपके राशि पर क्या होगी, हम पूरी विस्तार से जानेंगे इस वीडियो में। आप इस वीडियो को मिस बिल्कुल भी ना करें और शुरू से अंत तक जरूर देखें। जिन्हें वीडियो के अंत में काफ़ी अच्छे विचार दिए गए हैं, आप जरूर देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले जान लेते हैं आज के पंचांग के बारे में। आज 22 मई 2021 दिन शनिवार का है और महीना जो है वो वैशाख का रहेगा, और तिथि की बात करें तो शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि बन रही है, जो कि यह ठीक सुबह के 9:16 तक चलेगा और इसके उपरांत शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। नक्षत्र की बात करें तो उत्तर फाल्गुनी नामक नक्षत्र बन रही है, जो कि यह ठीक दोपहर 2:06 तक चलेगा और इसके उपरांत हस्त नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। योग की अगर बात करें तो वज्र नामक योग बन रही है, जो कि यह ठीक शाम के 6:17 तक चलेगा और इसके उपरांत सिद्धि नामक योग प्रारंभ हो जाएगा। तो चलिए अब जानते हैं सूर्य और चंद्रमा का समय। सूर्योदय का समय सुबह के 5:57 पर और सूर्यास्त होगा ठीक शाम के 7:00 और चंद्र उदय का समय दोपहर 2:46 पर और चंद्रास्त होगा ठीक रात्रि के 3:13 पर। सूर्य राशि रहेगा वृषभ राशि पर और चंद्र राशि चंद्रमा कन्या राशि पर संचार करेगा। अर्थात आज का शुभ समय यानी अभिजित मुहूर्त की बात करें तो यह सुबह के 11:57 से लेकर ठीक दोपहर 12:49 तक चलेगा। चलिए अब अशुभ काल यानी राहु काल की बात करें तो यह सुबह के 9:05 से लेकर ठीक सुबह के 10:44 तक चलेगा। याद रखिएगा दोस्तों, राहु काल के समय किसी भी तरह के महत्वपूर्ण काम आप बिल्कुल भी ना कीजिएगा, वरना आपके कार्य में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधाएं आ सकती है। आचार्य चाणक्य की नीति ज्ञान, ये रहा आज आपके लिए। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, समझदारी की बातें सिर्फ दो ही लोग करते हैं, एक वो जिनकी उम्र अधिक हो और एक वो जिसने कम उम्र में ही बुरा वक्त देखा हो। हीरो को अगर परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो, धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। ना हारना जरूरी है और ना जीतना जरूरी है, जिंदगी एक खेल है, इसे खेलना जरूरी है। जिंदगी में तूफान का आना भी बहुत जरूरी है, तभी तो पता चलता है कौन हाथ पकड़ता है और कौन हाथ छोड़ता है। जिंदगी उसी को आजमाती है जो हर मोड़ पर चलना जानता है। कुछ पाकर तो हर कोई मुस्कुराता है, पर जिंदगी उसी की होती है जो सब कुछ खोकर भी मुस्कुराता है। चलिए बात करते हैं अब आपके डेली राशि फल की। जी हाँ, हम आपकी डेली राशि फल की बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले बता दें, आज आपके लिए लकी नंबर यानी कि भाग्यशाली अंक जो है वो आपके लिए 2 रहेगा, और इसी के साथ आज आपके सितारे बता रहे हैं कि स्वास्थ्य का ध्यान रखें और चीज़ों को व्यवस्थित करें। जिन लोगों को आप जानते हैं उनके जरिए आपको आमदनी के नए स्रोत मिलेंगे, और यह समय पढ़ाई की कीमत पर घर से ज़्यादा देर तक बाहर रहना आपको माता पिता के गुस्से का शिकार बन सकता है, और यह समय करियर के लिए योजना बनाना उतना ही आवश्यक है जितना कि खेलना कूदना। इसलिए
माता पिता को खुश करने के लिए दोनों में संतुलन बनाना जरूरी है। हम आपको बताना चाहेंगे, आपका प्रेमी आज आपकी बातों को सुनने से ज़्यादा अपनी बातों को कहना पसंद करेगा, इसलिए उनकी बातों को अधिक सुनने की कोशिश करें। इससे आप दोनों के जीवन में खुशियां और बढ़ेगा और जिसकी वजह से आप थोड़े खिन्न हो सकते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे, अपनी बातचीत में मौलिकता रखें, क्योंकि किसी भी तरह का बनावटीपन आपको फायदा नहीं पहुंचाएगा। हम आपको बताना चाहेंगे, विवाहित जीवन में सूखे सर्दीले दौर के बाद आपको धूप भी नसीब हो सकता है। हम आपको बताना चाहेंगे, जब आप अपने परिवार के साथ सामान्य से कुछ ज़्यादा समय बिताते हैं तो थोड़ी कहासुनी हो ही सकती है, लेकिन आज इससे बचने की कोशिश करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आज आपके लिए उपाय की बात करें तो हनुमान जी को गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाने से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। दोस्तों, अगर इन बातों से आप सहमत हैं तो वीडियोस को अभी लाइक जरूर कर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिख दें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।